Hi guys, this is Aditya from Aditya Tech Fact. So in this video I will show you कि आप EIS mode, video mode में ASUS ZenFone Max Pro M1 में EIS mode कैसे activate करना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे फ़ोन में EIS mode activate है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं मैं सेटिंग में आपको लेके आ गया हूँ। आपको दिखा दूँ कि ये देख सकते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन का अगर मोड आप में इनेबल नहीं है तो ये एकदम सीक्रेट से ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको पहले कैमरा को मैं वापस जिस तरह था मैं उसे वापस ले आता हूँ, जैसे आपके पास कैमरा पहले से होगा। तो मैं सारा डेटा क्लियर कर लेता हूँ, सारा कैशेस को क्लियर कर लेता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कैमरा को। कैमरा को ओपन करने के बाद आपको सारी चीज़ अलाउ कर देना है। उसके बाद अगर आप वीडियो मोड में जाते हैं और स्टेबलाइजेशन मोड आप देखते हैं तो आपको शायद नहीं मिलेगा, जो कि आपको ये पहले मैंने सेटिंग दिखाया और आपको ये वीडियो मोड का स्टेबलाइजेशन मोड आपको। तो हाँ, मेरे पास ये वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड इनेबल नहीं है जो आपको मैंने पहले दिखाया था, ये मिसिंग है। तो अब हम इसे सीखेंगे कि इसे वापस कैसे लाना हो। और आपके फ़ोन में आपको अगर ये शो कर रहा हो और नहीं आप में वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड आ रहा है तो कैसे आपको इनेबल करना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले आपको करना क्या, आपको कैमरा में आ जाना है। वीडियो मैंने कैमरा में आने के बाद आपको इस सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है, इसमें आपको ये रेड आई रिडक्शन पे आपको क्लिक करना है। रेड आई रिडक्शन इसे याद रखना, इस बटन को, ठीक है, इस बटन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपको इनेबल पे आपको दबा के रखना है, सॉरी रेड आई डिटेक्शन मोड को आपको दबा के कुछ देर तक रखना है, ठीक है। दबा सकते हो, दबाते रहना है बहुत बार, मतलब 10 बार दबाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन कुछ तरह का पॉपअप आएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जिस तरह कैमरा डेवलपर ऑन का आएगा। उसके बाद आप फिर से सेटिंग पे क्लिक कीजिए और देख सकते हैं आपके पास ये सारे नए नए सेटिंग आ चुके हैं, जिससे आप अगर आपने देख लिया कि मैंने कैसे पहले किया। तो आपको अब मैं ले के चलता हूँ वीडियो मोड में। ये तो अगर बात कैमरा मोड की, जिसमें आपको इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बोके मोड डिसेबल इनेबल आपको इसे इनेबल कर देना है पोर्ट्रेट मोड में। तो आप अगर आप क्लियर फोटो लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आप ले सकते हैं। सॉरी कभी कभार लैंग कर जाता है, तो आपको मैं किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का फ़ोटो दिखा सकता हूँ क्लिक करके। आपका पहले से ज़्यादा अच्छा बोके मोड हो गया, आप चेक कर सकते हैं। मेन प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है ASUS के फ़ोन में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ, इस तरह का है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, काफ़ी अट्रैक्टिव आ रहा है। HDR आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारा वीडियो मोड है। वीडियो मोड में आने के बाद आप पहले आप फिर से सेटिंग में जाएं और सेटिंग में आपको पहले मैंने जो दिखाया वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा तरीके से बदल चुका है सेटिंग का आइकॉन, यानी कि आपका सेटिंग में नया नया ऑप्शन आ गया। और इसमें आपको इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ में आपको डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, आपको ऑन कर देना। उसके बाद आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपको एक और इसमें ध्यान रखना है कि आप जो भी इमेज स्टेबलाइजेशन वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो मस्ट बी 1080p में होना ज़रूरी है। 1080p में ही होना चाहिए या उसके अपर एंड में, आपको इसके लोअर में नहीं जाना है। आपको जो मेन जो चीज़ रखना है 1080p, ठीक है, 1080p में ही होना चाहिए, जो एकदम खासा जो ध्यान रखना। आप वीडियो ड्यूरेशन इसे नॉन लिमिट कर सकते हैं और कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं इसके वीडियो के साथ सैम्पल ऐड कर देता हूँ विदाउट इमेज स्टेबलाइजेशन और इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन के वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और बढ़ते हैं आगे।